गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी हिंदी की क्लास में चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, सांवले सपनों की याद। हम पहले इसके 3 चैप्टर हैं जो आपके वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम 4th चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सांवले सपनों की याद पाठ का उद्देश्य क्या है, या जो सांवले सपनों की याद है उस पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो सांवले सपनों की याद, सालिम अली जी ने ये लिखा था लेसन। उन्होंने इस चैप्टर में उन घटनाओं का वर्णन किया है जिस घटनाओं ने उनके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। तो सालिम अली क्या थे, वो एक प्राकृतिक प्रेमी थे, प्रकृति को वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें पक्षियों से भी विशेष प्रकार का लगाव था। पक्षियों की खोज और उसकी सुरक्षा को लेकर उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया, यानी कि पक्षियों की देख रेख में वो दिन रात लगे रहते थे। तो सालिम अली जी के जीवन का उल्लेख ये है कि आम व्यक्ति को प्रकृति के लिए प्रेम रखना चाहिए, जो भी हमारे पक्षी हैं उनके लिए सहानुभूति रखनी चाहिए। तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि लोग पक्षियों के लिए प्यार दिखाएं, पक्षियों को प्यार करें। आज पक्षियों की बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो समाप्त होती जा रही हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी तो वो ऐसे सुंदर सुंदर पक्षियों के चित्र ही देख पाएगी, क्योंकि तब तक ये पक्षी बिल्कुल प्रकृति से लुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जो शुद्ध और हमारा जो स्वच्छ वातावरण है उसमें जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो तरस जाएगी, क्योंकि अधिकतर पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, वनस्पति हमारी ख़त्म होती जा रही है। तो जो सालिम अली हैं उन्होंने इस चैप्टर में सिर्फ ये संदेश दिया है कि हमें अपनी प्रकृति से प्यार करना चाहिए, पक्षियों की भी देखरेख करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सालिम अली को पक्षियों की खोज की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली थी। तो बचपन में एक बार क्या हुआ कि गलती से सालिम अली के हाथों से गौरैया घायल हो गई। ये चिड़िया का नाम था। तो उस घायल गौरैया को देख के उनका मन क्या था, वो बेचैन हो गया। उसी दिन से वो पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे, यानी कि वो पक्षियों की खोज करने लग चुके थे। वे पक्षियों की खोज में जंगल में जाते, वहाँ की प्रकृति के अन्य रहस्यों को भी जानते, उन्हें समझने की कोशिश करते। तो इस प्रकार पक्षियों और प्रकृति के रहस्यों के विषय में जानने के लिए उन्होंने ऊंचाइयों को छू लिया था, यानी कि वो प्रकृति के अंदर ही बसने लग चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वृंदावन में यमुना का जो सांवला पानी है वो यात्री को किन घटनाक्रमों की याद दिलाता है। तो जो वृंदावन में यमुना नदी बहती है उसका जो सांवला पानी है वो हर यात्री को श्री कृष्ण जी की जो नटखट क्रीड़ाएँ होती हैं, जो श्री कृष्ण जी तरह तरह के खेल खेलते थे, उनकी याद दिलाता है। जब वह यमुना का पानी देखता है तो उसे याद आता है कि कभी श्री कृष्ण जी ने इनके किनारे शरारतें की थी। तो जो उनकी शरारतें थी श्री कृष्ण जी की, उन शरारतों ने लोगों के मन को मोह लिया था। श्री कृष्ण ने यहाँ जो गोपियों के साथ रास लीलाएँ रचाई थी उन्हें भी लोग बहुत याद करते हैं। गवालाओं के साथ मिलकर जो उन्होंने माखन की चोरी की थी, माखन चुराया था घर घर जाकर, उसकी भी बहुत याद आती है। यमुना के किनारे पर खड़े होकर वो कदम्ब के वृक्षों के नीचे विश्राम करते थे और वहाँ पर अपनी बंसुरी बजाते थे। तो ये सब चीज़ें हमें जो यमुना का सांवला पानी है उसे देखकर याद आती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सालिम अली ने पर्यावरण संरक्षण के लिए किस रूप में भूमिका अदा की। तो सालिम अली ने जहां एक ओर पक्षियों की खोज की उसके लिए उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया था, वहीं उन्होंने पक्षियों की सुरक्षा के बारे में भी अध्ययन किया। उन्होंने उस टाइम जब उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह से, जो केरल की साइलेंट वैली है उसके पर्यावरण को उजड़ने से रोकने की प्रार्थना की थी। उन्होंने
प्रार्थना की कि इस वैली को बचा लिया जाए। तो सालिम अली ने हिमाचल और जो लद्दाख की बर्फीली ज़मीनें हैं वहाँ पर रहने वाले पक्षियों के कल्याण के लिए भी कार्य किया। उन्होंने पक्षियों के लिए शांत वातावरण बनाए और जंगलों की सुरक्षा की सिफारिश भी की, यानी कि वो हर वक्त प्रकृति की जो देख रेख थी उनके बारे में ही सोचते रहते थे और वो ये चाहते थे भी जितना हो सके हम इस प्रकृति की रक्षा करें और इस प्रकृति को नष्ट होने से बचाएं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वृंदावन में श्री कृष्ण की मुरली का जादू सदा क्यों बना रहता है? तो वृंदावन में श्री कृष्ण की मुरली का प्रभाव हमेशा ही लोगों के दिलों में बसा हुआ है। कृष्ण भक्त जब भी वृंदावन आते हैं तो उनकी कल्पना में श्री कृष्ण की जो मुरली है उसका प्रभाव अपने आप ही उठना शुरू हो जाता है। उनके कानों में उनकी मधुर जो ध्वनि है मुरली की वो बजनी अनुभव हो जाती है। उन्हें ऐसे लगता है जैसे श्री कृष्ण कहीं खड़े होकर अब भी मुरली बजा रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी कहीं से श्री कृष्ण आ जाएंगे और जो वहाँ का वातावरण है वो सारा उनकी बांसुरी के संगीत से गूंज उठेगा। तो श्री कृष्ण का जो जादू है मुरली का वो वहाँ लोगों को हर वक्त सुनाई देता है। लोग ये अनुभव करते हैं कि उनकी जो मुरली की आवाज़ है वो उनके कानों में सुनती है और वो उन्हें दिखाई भी देती है। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 4 था, इसके मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 1 to 5। आपने ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में राइट भी करने हैं, इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी पोएम शुरू करेंगे, तो तब तक आप अपने ये पूरी जो भी लेसन आपको करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपने पूरे कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।